दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका रिलीजन और आपका एज और आपका फोन नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपके बारे में, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं इसे 500 रुपये में खरीद लूँ, कोई भी आदमी आके आपको 500 रुपये में खरीद लेता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ऐसा ही एक फ्रॉड, मतलब जो स्कैम हमें आधार कार्ड के रिलेटेड देखने मिलता है, मतलब आधार कार्ड के जरिए कोई भी अपना पैसा बैंक के लिंक बोलता है कि लिंक करके दूंगा, उसके बारे में आपसे बैंक से पैसे निकाले जाते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो में, मतलब आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये जो स्कैम्स हो रहे हैं आधार कार्ड के रिलेटेड, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे। IDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये अथॉरिटी जो भी आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी आपके साथ स्कैम हो रहे हैं, मतलब जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे हैंडल करती है अथॉरिटी। मतलब कि क्या प्रॉब्लम थी कि मतलब लोगों के जो आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हो रहे थे, और फिर डेटा जो रहते आधार कार्ड के रिलेटेड वो भी बरोबर नहीं थे। ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे आधार कार्ड के रिलेटेड, तो अथॉरिटी ने इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब हर हर विलेज लेवल पर एक ऑन्ट्रप्रीनियर को सिलेक्ट कर लिया। मतलब ऑन्ट्रप्रीनियर मतलब कि ऐसे लोग जो न्याय के साथ लड़ते, उनको हर एक विलेज लेवल पर हर एक एंट्रप्रीनियर को सिलेक्ट कर लिया। उनको बोला गया कि मतलब जो ऑन्ट्रप्रीनियर, उनको बोला गया कि हर विलेज में जो भी घर है, हर घर में जाके उनको चेक, उनका जो आधार कार्ड है, उनका आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी ऑथेंटिफिकेशन है, जो भी अंदर के डिटेल्स रहते हैं वो सही है कि गलत है, वो चेक करने के लिए भेजा गया। तो ये सभी जो भी ऑथेंटिफिकेशन है ये चेक करने के लिए अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया, जो भी आधार कार्ड के रिलेटेड, मतलब कि आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी डेटा देता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है आधार कार्ड के रिलेटेड, वो एक जगह ही रहता है, डेटाबेस एक बनाया रहता है। तो ये जो डेटाबेस है उसके लिए एडमिन एक्सेस चाहिए रहता है, मतलब वो जो भी आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो देखने के लिए एक एडमिन एक्सेस चाहिए रहता है। तो अथॉरिटी ने क्या किया, जो भी एंट्रप्रेन्योर, मैंने आपको बताया था कि एंट्रप्रेन्योर सिलेक्ट किएंगे, इन लोगों को एंट्रप्रेन्योर को मतलब एडमिन एक्सेस दे दिया, मतलब उनको परमिशन दे दिया ये सब इंफॉर्मेशन उनको चेक करने के लिए। मतलब पूरे जो भी विलेज लेवल, मतलब लोगों के जो भी आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह सेव्ड होते हैं, और उसका ही एडमिन एक्सेस एंट्रप्रेन्योर को दे दिया। इससे क्या हुआ कि मतलब उन लोगों, जो एंट्रप्रेन्योर है, उन लोगों ने गलत फायदा हुआ है इसका, गलत फायदा उठाया इसका, मतलब कि उन्होंने सीख लिया कि मतलब एडमिन एक्सेस का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया अकाउंट बनाया, एक नया पासवर्ड बनाया, और इससे क्या होगा, मतलब अगर मैं किसी को भी समझ, मान लो मैंने एक नया बनाना सीख लिया कि एडमिन एक्सेस का अकाउंट कैसे बनाने के, तो मैंने क्या किया, बनाया और वो मैंने किसी को भेज दिया, समझ लो मैंने किसी को भेज दिया, तो इससे क्या होगा, सामने वाला है ना, जो भी आधार कार्ड के रिलेटेड मैंने जो डेटाबेस आपको बताया था एक जगह सेव रहते, उसको इजीली देख सकता है, क्योंकि उसको पास जो भी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत रहती है उसने बनाना सीख लिया और मैंने उसको भेज दिया, तो वो कुछ भी करके वो देख सकता है, जो भी फ्रॉड कर सकता है आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकता है। सभी एंट्रप्रेन्योर में से एक ने तो यूजर नेम और पासवर्ड बेचना शुरू कर दिया। तो भारत भूषण गुप्ता, ये एक ऐसे विलेज लेवल एंट्रप्रेन्योर थे, सबसे पहले जो जिन्होंने व्हाट्सएप पे 500 500 रुपये में बेचते हुए देखा कि मतलब ये जो आपको मैंने बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड का लेके आप पूरा आधार कार्ड के रिलेटेड डेटाबेस देख सकते हो, तो उन्हीं सभी एंट्रप्रेन्योर में से एक जने तो ये बेचना शुरू कर दिया। और जो भारत भूषण गुप्ता थे, उन्होंने देखा कि मतलब व्हाट्सएप पे ये बेचा जा रहा है 500 रुपये में एक यूज़र नेम और पासवर्ड, जिससे कि आप आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। भूषण गुप्ता ने देखा कि मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आधार कार्ड के रिलेटेड, तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो UIDAI के पास गए। UIDAI, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं उनको हैंडल करती है, तो वो UIDAI के पास गए, उनका हेल्पलाइन नंबर लिया, उनको कॉल लगाया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि वो मीडिया के पास गए, तो मीडिया पे जाने के बाद एक ट्रिब्यून नाम के अखबार ने उनका जो स्टोरी था वो छाप दिया, प्रिंट कर दिया। ट्रिब्यून नाम के जो अखबार के जो जर्नलिस्ट है, यानी कि जो पत्रकार है, उन्होंने क्या क्या एक चीज़ वेरीफाइड की, मतलब कि जो व्हाट्सएप नंबर जो बेच रहा है 500 500 रुपये में, जो आपको मैंने बताया था कि 500 500 रुपये में जो बेच रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, जिससे आप एडमिन एक्सेस ले सकते हो आधार कार्ड के रिलेटेड डेटाबेस देख सकते हो, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे होता भी है क्या असली में, तो उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने क्या किया कि मतलब व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट किया और उसको बोला कि मतलब 500 रुपये मैं आपको देता हूँ, अब तू मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दे दे। तो उन्होंने सच में यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और उसने देखा, तो उसके वजह से उनको देखा कि असली में मुझे इस सारे जो भी डेटाबेस है वो देख सकता हूँ। तो
दोस्तों यूआईडीए ने दावे के साथ कह दिया कि मतलब ये जो आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो भी हैक कर रहा है, मतलब कि जो एक्चुअल डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन देख रहा है, वो कोई देख ही नहीं सकता, हैक ही नहीं कर सकता है। और ऊपर ऊपर से पीछे पीछे जाके यूआईडीए ने क्या किया कि मतलब जो भी ट्रिब्यून नाम के अखबार ने, मतलब आपको मैंने बताया था कि ट्रिब्यून नाम के अखबार के जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई की, मतलब उन्होंने देखा कि ऐसा देखा कि असली में होता भी है कि नहीं। तो यूआईडीए ने क्या किया, उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया कि मतलब ये ऐसे ही यूजर नेम पासवर्ड लेके ये सब आधार कार्ड के रिलेटेड डेटाबेस देख रहे। इसलिए यूआईडीए ने पीछे से जाकर ये जर्नलिस्ट को, जिस पे एफआईआर, जर्नलिस्ट पे एफआईआर दर्ज करवा दिया। कई लोग मुझे बोलेंगे कि मतलब ये नाम लेने से, ये एड्रेस लेने से और ये फ़ोन नंबर लेने से क्या कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाने वाला है। दोस्तों आपको मैं एक समझाना चाहूँगा कि मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मतलब किन किन तरीके से इन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपका बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, कि मतलब आधार कार्ड एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। सबसे आसान तरीके से आपका फ्रॉड हो सकता है वो है कि फिशिंग स्कैम। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके जरिए आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले जाते हैं। मतलब कि आप बोलोगे, इसमें से आप बोलोगे कि मतलब नाम सुनने से तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ जो बेवकूफ़ लोग हैं वही बेवकूफ़ बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर समझदार लोग भी बेवकूफ़ बन सकते हैं और बने भी हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मेरे को आपका नंबर पता है और आपका नाम पता है, आपका फ़ोन नंबर पता है और आपका नाम पता है, तो मैं क्या करूँगा, एक प्रिटेंड कॉल करूँगा आपको और उसमें मैं बोलूँगा कि मतलब मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ, तो आपको आपका आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक करवाना है, तो मैं आपका करा सकता हूँ, बस आपको मुझे वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आपको मुझे बताना है, और वैसे ही आपका आधार कार्ड के द्वारा लिंक हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा और आप मुझे बता दोगे, तो मतलब आपको लगेगा कि भाई इसको तो सब पता है, मेरा नंबर भी पता है, फ़ोन नंबर भी पता है, मेरा नाम भी पता है, और उसको मेरा बैंक अकाउंट का भी पता है, सब बैंक अकाउंट का नाम भी पता है। तो आप क्या करोगे, आपको बता दोगे उसको, आपको तो लगेगा ये तो सच में बैंक मैनेजर बात कर रहा है, तो आप बता दोगे, तो वो क्या करेगा, ओटीपी के द्वारा आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें से वो पैसे निकालेगा। तो ये भी बहुत जरिए खतरनाक जरिए से आपका फ्रॉड हो सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो जरिए प्लीज़ आप ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मत दें। और ऐसा ही कुछ सेम चीज़ हमारे राज्यसभा की एमपी के साथ हुआ था, मतलब कि एक लोगों ने, किसी ने तो राज्यसभा के जो एमपी है उनके साथ हुआ था कि मतलब ऐसे यही जरिए से उनका पैसे निकाले गए थे। दोस्तों ये तो एक ही जरिए से नहीं, ऐसे कई सारे जरिए से आपका फ्रॉड हो सकता है, मतलब कि आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको पूछ कर आपका फ्रॉड हो सकता है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मतलब जो भी आप चीज़ जो कर रहे हो उसको आपको कुछ बताना नहीं, आप बोल सकते हो कि मतलब ये मैं खुद जाके करवा लूँगा ये सब चीज़, अभी मुझे ये नहीं करवाना है, तो आप ये कर सकते हो अगर आपको ऐसे कोई फ्रॉड्स कॉल आते तो। और दूसरा जो फ्रॉड है वो एयरटेल ने किया था। एयरटेल ने क्या किया था कि मतलब जब भी आप नया सिम कार्ड बनाने जाते हो तभी एयरटेल आपसे आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे फिंगरप्रिंट मांगते हैं। तो जब भी आप फिंगरप्रिंट देते हो, तो पहले बार जब भी आप फिंगरप्रिंट देते हो तो तभी वो बोलते हैं कि बराबर फिंगरप्रिंट नहीं आया तो वापस एक बार दो। तो जब भी आप उन्होंने बोला था कि एयरटेल ने जब भी बोला था कि जब भी फिंगरप्रिंट बराबर नहीं आया तभी वो सिम कार्ड के लिए ले लेते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि बराबर फिंगरप्रिंट नहीं आया तो वापस एक बार दो। तो जब भी आप वापस एक बार देते हो दूसरे बार, तो तभी बिना बताए पीछे पीछे एक नया अकाउंट बना लेते हैं, एक डिफॉल्ट अकाउंट बना लेते हैं, और जैसे आप देते हो उनकी इसके अंदर की सारी सब्सिडीज वो डिफॉल्ट अकाउंट में आ जाती है, और इसके वजह से वो पूरा अकाउंट का जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सब्सिडीज है वो उसके अंदर आ जाते हैं, और उसके वजह से पूरा फ्रॉड हो जाता है। तो इसके वजह से यूआईडीएआई ने बताया था, मतलब पता लगाओ कि वो एयरटेल ऐसी फ्रॉड चीज़ें कर रही है, तो उन्होंने लाइसेंस जो आधार कार्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट मांगते थे वो बंद करवा दिया, तो ऐसे 5 दिनों के बाद वापस शुरू करवा दिया। दोस्तों ये था एयरटेल का जो स्कैम है। ऐसे कई सारे जगह पे स्कैम होते रहते हैं आधार कार्ड के रिलेटेड, जो आपके मैंने आपको कई सारे आपको बताया, आपको इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ऐसे आपके साथ कोई ना हो। आपको मैंने बैंक अकाउंट का भी एग्जाम्पल बताया। दोस्तों ऐसे कई तरीके से आपके साथ फ्रॉड किए जा सकते हैं, आपके साथ स्कैम किए जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा प्रिकॉशन लीजिए आधार कार्ड के जरिए। तो ऐसे कई सारे फ्रॉड हो जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए या फिर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि मतलब इस जरिए से आधार कार्ड का, आपके आधार कार्ड के जरिए आपका फ्रॉड हो सकता है, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जनता तक पहुँचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।